हमारी स्पाइन से जुड़ी हुई ज्यादातर प्रॉब्लम जैसे कि गर्दन यानी सर्वाइकल की प्रॉब्लम, लो बैक पेन या अपर बैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, उनके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण हमारे उठने बैठने का गलत तरीका, हमारा गलत लाइफस्टाइल यानी कि हमारा गलत पोस्चर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गलत पोस्चर की बात करेंगे जिनकी आदत पड़ जाने से, जिनको रोज करने से हमें लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, अपर बैक पेन या कुछ और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस की भी बात करेंगे जिनको करके आप इन पोस्चर को और इनसे हो रही दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन पोस्चर को कैसे ठीक किया जाए और इसके बदले में हमें कौन सा अच्छा पोस्चर अपनाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर तारिक कमाल, दिल्ली में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस और हेल्थ इंजीनियर, आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस। हम में से ज्यादातर लोगों का पोस्चर, चाहे ऑफिस में बैठ के हम काम कर रहे हो, कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो, घर पे सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हो, तो ज्यादातर लोगों का पोस्चर गलत होता है। शुरू में जब हम अपना पोस्चर स्टार्ट करते हैं तब तो ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि हम अपना पोस्चर खराब करने लगते हैं और आखिर में हमारा पोस्चर कुछ इस तरह से होने लगता है, आगे हम स्लाउच कर जाते हैं या फिर आड़े तिरछे बैठने लगते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड और स्ट्रेस पड़ने लगता है जो बाद में दर्द का कारण बनने लगता है। ये गलत पोस्चर जब हमारी आदत बन जाती है, महीनों और सालों साल जब हम इन्हीं पोस्चर को जीने लगते हैं, तो इन्हीं पोस्चर के अकॉर्डिंग हमारी स्पाइन की शेप में चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो जाती है। हमारा सही पोस्चर क्या होना चाहिए, हमारा उठने बैठने का काम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम अपनी स्पाइन को हेल्दी स्वरूप दे सकें, ये बातें सारे लोगों को पता नहीं होती। इस वजह से एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि आप कौन सा सही पोस्चर रखें ताकि आप अपने स्पाइन को पूरी तरह से फिट और हेल्दी बनाकर रख सकें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऐसे पांच गलत पोस्चर की बात करते हैं, ऐसे पांच गलत उठने बैठने के तरीके की बात करते हैं जो आए दिन हम करते हैं। सबसे पहले इस पोस्चर पे बात करेंगे यानी कि स्लाउच पोस्चर पे बात करेंगे। ये गलती हमसे सबसे ज्यादा होती है। जब हम कुर्सी पर या सोफे पर बैठते हैं तो शुरू में हमारा बैठने का तरीका तो ठीक होता है, इस तरह से होता है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को पाने के लिए धीरे धीरे हम कुर्सी या सोफे पे आगे की तरफ सरकने लगते हैं और हमारा पोस्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत पोस्चर है। इसमें होता क्या है, हमारी कमर और हमारे बैक सपोर्ट के बीच में यानी कुर्सी और हमारे कमर के बीच में ये गैप होने लगता है, तो इस गैप की वजह से हमारी मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज यहां तक कि स्पाइन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, लोड और एक्सर्शन लगने लगता है, मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ने लगता है जो बाद में धीरे धीरे मसल के ऊपर टेंशन पैदा करने लगता है और यही दर्द का कारण बनता है। ये गलती करके हम यही नहीं रुकते बल्कि इससे भी ज्यादा गलत पोस्चर हम करने लगते हैं जब हम आगे सरकने के बावजूद हम अपनी बॉडी को तिरछा भी करने लगते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये भी गलतियां हमसे अक्सर होने लगती हैं। इस पोस्चर में दो तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं, मसल के ऊपर स्ट्रेस पड़ने के साथ साथ यानी मसल के ऊपर एक्स्ट्रा लोड और स्ट्रेन पड़ने के साथ साथ हमारे स्पाइन के शेप में चेंजेस भी आने लगते हैं। हमारे स्पाइन ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा तिरछा और थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है, जो कि बाद में एक सीवियर प्रॉब्लम पैदा करने लगता है। अब इसके सोल्यूशन यानी इसके इलाज की बात करते हैं। इस पोस्चर की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम होने लगी, बैक पेन होने लगा है, तो आपको तीन एक्सरसाइजेस पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप कोर मसल की एक्सरसाइजेस करेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोर एक्सरसाइज करने के बाद आपको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है, उल्टे यानी प्रोन पोजीशन में लेट जाएंगे। अब आपको अपनी अपर बॉडी यानी कि चेस्ट और अपनी लोअर बॉडी यानी कि दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ उठाना है, थोड़ी देर रोक के रख लेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। इस तरह से 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने पोस्चर पर भी ध्यान देना होगा। आपको ये गलत पोस्चर नहीं करने हैं, जब भी आप बैठें तो अपराइट और इरेक्ट पोजीशन में बैठें, थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन होकर बैठें, अपनी कमर और अपनी कुर्सी के बीच में एक कुशन जरूर रखें। फॉरवर्ड हेड पोस्चर, फॉरवर्ड हंच पोस्चर, हंच बैक पोस्चर, इस गलत पोस्चर को भी हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत करते हैं। मोबाइल फोन चलाते वक्त, कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते वक्त हमारा हेड स्क्रीन की तरफ झुका रहता है, या फिर जब हम लेट कर कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, मोटा तकिया लगाकर जब हमें सोने की आदत होती है तो इसमें भी हमारा हेड आगे की तरफ बेंड हुआ रहता है। इन सारी कंडीशन में हमारा हेड फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में आ जाता है, जो कि बहुत ही गलत पोस्चर है। इस पोस्चर में होता क्या है कि
एक मसल इम्बैलेंस हो जाता है, आगे की मसल्स टाइट हो जाती हैं, पीछे की मसल्स के ऊपर लोड और एक्जर्शन स्ट्रेस ज्यादा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये एरिया अकड़ जाता है, वीक पड़ जाता है और हमें पेन भी होने लगता है। हमारी गर्दन और इस एरिया में पेन और अकड़न के पीछे ज्यादातर कारण हमारा इसी तरह का गलत पोस्चर माना जाता है। इस पोस्चर के ऊपर यानी फॉरवर्ड हंच पोस्चर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा। इस पोस्चर की वजह से गर्दन में हो रही अकड़न और पेन को ठीक करने की एक्सरसाइजेस आप इस वीडियो से देख सकते हैं और कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को फोन पे इस तरह से बात करने की आदत होती है, अपने नेक और अपने शोल्डर के बीच में फोन को रख के हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आदत जब लॉन्ग टर्म आदत बन जाती है, बार बार जब हम इसी तरह से बात करते हैं, तो इस साइड की नेक की मसल्स में शॉर्टनिंग आ जाती है, अकड़न आ जाती है इस साइड की गर्दन में, और एक मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है जो प्रॉब्लम पैदा करने लगता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा इस तरह से यूज करने की आदत होती है, तो उनकी नेक एक तरफ टिल्ट हो जाती है और ये परमानेंट एक तरह की डिसेबिलिटी बन जाती है। इस तरह की आदत से बचिए, फोन को हाथ में लेकर बात करिए, अगर ज्यादा देर तक बात करना हो तो बहुत सारी हैंड्स फ्री डिवाइसेस आती हैं उनका यूज करिए। अब बात करते हैं इसकी वजह से हो रही प्रॉब्लम को हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। सबसे पहले जिस साइड आपको प्रॉब्लम हो रही है उस साइड की स्ट्रेचिंग करनी है। इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे, रोक लेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। इस तरह से 10 बार ये स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद इस तरह से साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे, 20 से 25 बार ये मूवमेंट करेंगे। इसके बाद आप ये मूवमेंट करेंगे, इस तरह से अपनी चिन को अपोजिट शोल्डर की तरफ लेकर जाएंगे, यानी इस साइड अगर आपको पेन है तो अपने चिन को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, 15 से 20 बार करेंगे। हम में से अक्सर लोग जब ज्यादा देर तक कहीं खड़े रहते हैं तो उनका खड़े होने का तरीका इस तरह से देखा गया है। इस तरह से खड़े होने से हमारी बॉडी का मैक्सिमम वेट एक साइड के पैर के ऊपर आने लगता है, जिससे उस साइड की मसल्स के ऊपर, खास तौर से बटक्स और लो बैक की मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड, प्रेशर और स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिसकी वजह से इस साइड पेन होने लगता है। इस पोस्चर की वजह से हो रही दिक्कतों से बचने के लिए आपको 3 एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले साइड रेस करेंगे, करवट में लेट जाएंगे, जिस साइड आपको एक्सरसाइज करनी है उस लेग को ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे साइड रेस करेंगे, इस तरह से 15 से 20 बार करेंगे। अब पेट के बल लेट जाना है, जिस पैर पर एक्सरसाइज करनी है उसको सीधा कर लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे, इस तरह से 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। लास्ट में आपको ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रख लेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे, 15 से 20 बार रिपीट करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको एक साइड की गर्दन, शोल्डर और बाजू में पेन और अकड़न की शिकायत होती है। इनमें से ज्यादातर पेशेंट की इस तरह की प्रॉब्लम के पीछे की वजह उनसे बात करने के बाद, उनकी हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चलती है कि ऐसे पेशेंट में इसी साइड, जिस साइड उनको प्रॉब्लम है उसी साइड बैक कैरी करने की आदत होती है, यानी कि हम अपने बैक को एक ही साइड में कैरी करते हैं तो उस साइड में प्रॉब्लम होने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने की एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। अब इसमें आपको 2 तरह की स्ट्रेचिंग करनी है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग, आप अपनी नेक और इस एरिया को स्ट्रेच करेंगे, यानी कि ये वाली स्ट्रेचिंग जो अभी मैंने बता रखी है, इस तरह से आपको 10 बार यह स्ट्रेचिंग करनी है। इसके बाद आप अपने शोल्डर और बाजू को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से अगर आपको इधर प्रॉब्लम है तो ऐसे रख लेंगे और इस तरह से आप लेकर जाएंगे, रोक लेंगे थोड़ी देर, छोड़ देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से लेकर जाएंगे, रोक लेंगे, छोड़ देंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये स्ट्रेच करते वक्त आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे, आपकी बॉडी स्थिर रहेगी, आप अपने सिर्फ बाजू को स्ट्रेच करेंगे। 10 से 15 बार ये स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग कर लेने के बाद आप सबसे पहले शोल्डर श्रक करेंगे, इस तरह से 10 से 15 बार। इसके बाद आप नमस्ते पोज में आ जाएंगे और अपने बाजू को इस तरह से मूव करेंगे, ये भी आप 15 से 20 बार करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज, आप इस पोजिशन में आ जाएंगे और अपने दोनों बाजू को अप डाउन इस तरह से करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए बैक को एक ही साइड के कंधे पर कैरी करना अवॉइड करिए। बैक को समय समय पर दोनों कंधों पर बदल बदल के कैरी करिए। जहां तक हो सके आप इस तरह का शोल्डर बैग यूज करिए, ताकि बैक का वजन दोनों कंधों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।